कांग्रेस ने केजरीवाल को दिखा दिया आईना। केजरीवाल का हुआ बुरा हाल, आम आदमी पार्टी में बवाल। कांग्रेस ने दिया स्वाति का साथ, क्या टूट गया गठबंधन? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। चंद दिनों की जमानत पर बाहर आए केजरीवाल का सारा सियासी खेल बिगड़ गया है। सीएम साहब स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में इतने बुरे फंसे हैं कि चारों तरफ से उनकी थू-थू हो रही है। ऐसे में अब उस वक्त केजरीवाल की हालत और खराब हो गई जब कांग्रेस ने भरे मंच से सीएम साहब की धज्जियां ही उड़ा डाली। जो कांग्रेस अभी तक गठबंधन का वादा कर केजरीवाल के साथ चुनावी खेल खेल रही थी, आज उस कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। और वो दिन केजरीवाल को याद दिला दिया है जब निर्भया कांड के बाद केजरीवाल घर से बाहर तक कांग्रेस को घसीट रहे थे, शीला दीक्षित पर सवाल उठा रहे थे। आज समय का पहिया ऐसा घूमा कि जिस जगह पहले केजरीवाल खड़े होकर कांग्रेस के खिलाफ चिल्ला रहे थे, ठीक आज उसी जगह खड़े होकर कांग्रेसियों ने गठबंधन भूल केजरीवाल की अकल ठिकाने लगा दी है। प्रियंका गांधी के बाद संदीप दीक्षित मैदान में क्या आए, क्या कुछ कहा, सुन ही लीजिए। मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूँ, देखिए ये जो स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के बीच में जो भी हुआ है, क्या सच है क्या नहीं है, ये तो तहकीकात ही पता चलेगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि आपको याद होगा दिल्ली में जब निर्भय कांड हुआ था और पूरी आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई थी, इन लोगों का भी ये कहना था कि अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके का अगर ऐसा एक उनके साथ कोई बिहेवियर होता है जो उसे पसंद नहीं है या कम से कम वो कहती है, तो उसमें पूरा का पूरा इस बात को प्रमाण करना कि ऐसा नहीं हुआ है, ये उस पर हो जाता है जिस पर वो महिला आरोप लगाती है। उस समय हम में से कई लोगों ने कहा कि इस तरीके का कानून ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि बवाल मचा हुआ था सड़कों में, शीला जी पे कांग्रेस पर यही सब लोग मिलकर उंगलियां उठा रहे थे, तो एक कानून बन गया। तो उस कानून के तहत आज कम से कम ये कहा जाता है कि अगर कोई महिला कहती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसकी बात को प्रामाणिक रूप से प्राथमिक रूप से सच मानते हुए जिस पर ये उंगली उठाई जा रही है उसे ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो उस महिला ने कहा है वो सच नहीं है, और तब तक गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो विभव कुमार को जो ले गए, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं उसके साथ हूँ या खिलाफ हूँ, ये उस कानून के तहत है। अब इसमें क्या गलत है क्या नहीं है ये तो ये पार्टी जाने, भाई आप ही के लोगों के कहे हुए कानून आज बनाए गए हैं, आप ही के लोगों के कहे हुए कानूनों में ये सब कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तो पहले भी कहा था कि ये कानून ठीक नहीं है, आज भी हम कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है। अब इस पर आप क्या धरना देना चाहते हैं क्या नहीं देना चाहते, ये चुनाव का पर्व है, इसमें मिलकर चुनावी मुद्दों पर हम लोगों को अपने आप को केंद्रित रखना। सिर्फ संदीप दीक्षित ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने भी स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठाते हुए आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं और खुले शब्दों में कहा वो स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में खड़ी हैं। कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। ये बयान तो सिर्फ ट्रेलर था, केजरीवाल की बेइज्जती की असली तस्वीर तो तब देखने को मिली जब दिल्ली में कांग्रेस की मेगा रैली हुई। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल को ही कांग्रेस ने उस रैली में आमंत्रित नहीं किया, यानी राहुल गांधी ने भी केजरीवाल से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। वैसे भी कांग्रेस वो दिन भूली नहीं जब केजरीवाल ने निर्भया कांड को लेकर दिल्ली में बवाल किया था और कांग्रेस की सरकार तक को कटघरे में ला दिया था। निर्भया कांड के बाद चुनाव हुए, सत्ता में केजरीवाल आए, सीएम साहब ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल तक तैनात कर दिए। लेकिन आज देखिए, ये वही केजरीवाल हैं जिनके घर पर सुरक्षा कर्मियों की फौज तैनात है, उन्हीं के सामने एक महिला सांसद को, वो भी उन्हीं की पार्टी की, वो पीटती रहे। सीएम साहब अपने कमरे में बैठे रहे लेकिन न सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, न महिला को गुंडागर्दी दिखा रहे केजरीवाल के पीए विभव को किसी ने रोकने की कोशिश की। अब सवाल तो यही है कि जो केजरीवाल महिला सुरक्षा की ठोक ठोक कर नौटंकी करते थे, मार्शल तैनात करते थे, वो क्यों स्वाति मालीवाल की पिटाई के मुद्दे पर चुप हैं? चुप तो छोड़िए, जनाब तो उल्टा स्वाति मालीवाल के खिलाफ और पीए के साथ ही खड़े हो गए। पीए की गिरफ्तारी होते ही अपनी फौज को लेकर पहले आप दफ्तर में विरोध करने के लिए पहुंच गए और फिर बीजेपी दफ्तर के बाहर बवाल कर नौटंकी दिखाने की कोशिश की, जैसे पीए बिल्कुल पाक साफ था। केजरीवाल की इसी दोहरे रवैये की वजह से कांग्रेस के तमाम नेता उनके खिलाफ उतर आए हैं। न सिर्फ प्रियंका गांधी ने
केजरीवाल का विरोध किया है, बल्कि स्वाति मालीवाल के पक्ष में संदीप दीक्षित भी उतर आए हैं और ऐसा बदला लिया कि आप नेताओं के होश ही उड़ गए। इसी मुद्दे पर अब बीजेपी ने भी केजरीवाल को घेर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल को आईना दिखाते हुए तंज कसा, क्या कुछ कहा सुनिए। निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल, आज महिला का क्या के साथ दुर्व्यवहार होता है, कहां मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में, क्या स्थिति आ गई। बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या, ऐसे पाखंडी लोगों को आने देना है क्या। मित्रों, ये लोग कोई इनको आपसे लेना देना नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी लोग और परिवारवादी लोग, यही इसको चला रहे। केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर घर से लेकर बाहर तक घिर चुके हैं। न सिर्फ नेता बल्कि जनता तक सवाल पूछ रही है, क्योंकि अभी तक केजरीवाल चुप थे, लेकिन जब मुंह खोला तो स्वाति मालीवाल का साथ साथ देकर अपने पीए के साथ ही खड़े नजर आए और केजरीवाल की इसी हरकत ने आम आदमी पार्टी को और ज्यादा डुबा दिया है। तो इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर करें। निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल, आज महिला का क्या के साथ दुर्व्यवहार होता है, कहां मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में, क्या स्थिति आ गई। बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या, ऐसे पाखंडी लोगों को आने देना है क्या। मित्रों, ये लोग कोई इनको आपसे लेना देना नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी लोग और परिवारवादी लोग, यही इसको चला रहे हैं। दूसरी बात, ये राहुल गांधी आजकल संविधान लेके घूमता है, मुझे मालूम नहीं कभी खोल के पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, शायद ही पढ़ाओ। अरे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिख करके गए हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होता आरक्षण, और तुम्हारी सरकार आंध्र प्रदेश में 4 बार धर्म के नाम पर आरक्षण करने की कोशिश करती है, तुम्हारी सरकार कर्नाटक में पिछड़ा का आरक्षण लेकर के माइनॉरिटी को देने की कोशिश करती है, मुस्लिम भाइयों को देने की कोशिश करती है, संविधान में लिखा हुआ है। बोलिए, ऐसे लोगों को जो पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालते हो, दलितों के आरक्षण पर डाका डालते हो, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या, आगे आने दोगे क्या। अगर नहीं आने दोगे तो एक ही रास्ता है, गांव गांव में, घर घर में मेरा संदेश पहुंचाइए, मोदी जी की राम राम पहुंचाइए, राजीव भारद्वाज जी को चुनाव जिताइए, कांगड़ा को आगे ले जाइए और विकसित भारत में अपना योगदान कीजिए।